जीएस पेपर टू के अंदर सोशल जस्टिस और गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, जुवेनाइल और जस्टिस, तो इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। ये जो आर्टिकल है यहां पर ये कवर किया गया यहां पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, अगर इसको हम लोग ढंग से देखें तो यहां पर बेसिकली बात करूंगा कई सारे मुद्दों के बारे में, कई सारी टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को जानने को मिलेगी। नॉर्मली जुवेनाइल क्या होता है, जुवेनाइल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो जुवेनाइल एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी एज जो होती है 18 साल से नीचे होती है और उसने कोई गलत काम कर दिया है, ठीक है। यानी कि जैसे कि निर्भया केस में देखने को मिला था, वो जो लड़का था वो एक 18 साल से नीचे का लड़का था और उसने उसके साथ में सबसे घटिया काम किया था, ठीक है। वो एक तरीके से जो आप लोगों ने उसके बारे में पूरा पढ़ा था कि जुवेनाइल सबसे पहले पिटना चाहिए था, इसको फांसी देनी चाहिए थी, पर लेकिन उसको सुधार गृह में डालकर उसको छोड़ दिया गया, तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा तो वो जुवेनाइल है, जबकि सारी हरकतें मैक्सिमम जो थी वो उसके द्वारा की गई थी, जितनी बदतमीजी की पराकाष्ठा पार की जा सकती है वो उसके द्वारा की गई थी। तो उसी के चलते यहां पर कुछ बातें की जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या डिसमिस कर दी गई अपील, चैलेंज कर रही थी जो डिसीजन पंजाब और हरियाणा कोर्ट के अंदर में, कि एक प्ली है जिसमें जुवेनाइल के रिलेटेड कई बार कह रहे थे कि इंसान जुवेनाइल है जुवेनाइल नहीं है, तो उसको क्या रहता है कई बार ना, कई बार सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डुबियस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं गलत तरीके से, ताकि यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक तरीके से क्या करे, एक कहनी जुवेनाइल है तो जुवेनाइल नहीं है तो उसको जुवेनाइल ट्रीट कर ले। तो यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सब धंधा जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। किसी ने अगर क्राइम किया तो उसको उस लेवल पर यहां पर ट्रीट किया जाना चाहिए, तो उसके चलते यहां पर इशू देखने को मिल रहा है। तो जुवेनाइल ऑफेंडर जो है उनकी एज जो है वो 18 साल आप लोग बोल सकते हैं, और ये कहां पर है बेसिकली, ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चाइल्ड एक्ट 2000 का था, जिसके तहत यहां पर ये सारी देखने को मिलती थी। तो अंडर सेक्शन जो इसका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, वो एक्यूज करता है अगर यहां पर जुवेनाइल जो है बिफोर एनी कोर्ट एनी स्टेज जो आफ्टर या फाइनल डिस्पोजल, तो यहां पर जुवेनाइल अगर वो पता चल जाता है किसी भी टाइम पर कि इंसान जो है वो जुवेनाइल की कैटेगरी में आता है, तो एक नॉर्मल सजा जो उसको मिलनी चाहिए थी वो सजा नहीं मिलेगी और उसको सुधार गृह में भेजा जाएगा कि हाँ अभी ये बच्चा है इससे गलती हो गई है, तो वाली चीज देखने को मिलेगी। पर ऐसा नहीं कि जुवेनाइल जस्टिस जो है ऐसे ही चला हुआ आ रहा है, यहाँ पर टाइम टू टाइम इसके अंदर चीजें जो है वो इंप्रूव भी हुई है, यानी कि जब जब लगा कि यहां पर चीजों को इंप्रूव करना है तो तब तक चीजों को इंप्रूव भी किया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो जुवेनाइल जस्टिस जो है कंसर्न यहां पर क्या रहता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोग के साथ में कि यहां पर इंडिया के अंदर पर्सन बिलो 18 ईयर जो है उसको बेसिकली कंसिडर करते हैं जुवेनाइल, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक टर्म यूज किया जाती है माइनर, माइनर भी नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली 18 साल से नीचे को माइनर बोल देते हैं, ठीक है। तो जुवेनाइल जो है यहां पर एक तरीके से वो इंसान जो कि माइनर है और जिसने कमिट कर दिया है यहां पर क्राइम, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीजें यहां पर चिल्ड्रन जो है कई बार ऐसा देखने को मिलता है, एक टर्म यूज की जाती है जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे यहां पर अगर बात करें यहां पर एक टर्म है जिसका नाम है यहां पर डोली इन कैपेक्स, ठीक है। तो डोली इन कैपेक्स अगर आप लोगों को कोई बोले इसका मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ डोली इन कैपेक्स का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन, ठीक है, मींस ही इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटेंट टू कमिट क्राइम, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि वो कोई क्राइम भी कर रहा है, ठीक है। तो एनी चिल्ड्रन बिलो द 7 ईयर कैन नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम, ठीक है, बिकॉज यहां पर इसकी वजह से यहां पर कि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे ऐसे कई सारे आप लोग केस देखने को, कई बार ना इस तरह की चीजें ना मिक्स हो जाती है, 7 साल का बच्चा उसके द्वारा कोई हरकतें कर देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर ये रहता है कि कैसे चीजों को लेकर चलना है, क्योंकि अगर कोई बच्चा है तो कैसे उसको रिहैबिलिटेट करना है। आप लोगों को याद होगा शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया तो हमारी कंट्री में पूरे कानून में चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि ये बोला गया कि अगर कोई बच्चा जो है उसके द्वारा कोई हरकतें की गई है तो यहां पर उसको सुधारा जाएगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है अभी, स्मॉल कैटेगरी में आते हैं यहां पर ये, तो उसको सुधारा जाएगा, उसको सुधार घर भेजा जाएगा, एक तरीके सुधार घर में उसको ले जाया जाएगा ताकि उसकी चीजों को सुधारा जा सके, यानी कि एक तरीके से जेल में डालना नहीं, अगर वो नशा कर रहा है तो उसको एक तरीके से डॉक्टर की जरूरत है, तो ये बातें बोलेगी उसके साथ में। तो यही बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर मेन जो चीजें होती है वो ये होती है कि एक इंसान को समझना कि वो एक हरकत कर सकता है नहीं कर सकता है, वो चीज देखने को मिलेगी। और एक अच्छी बात बताऊं आप लोगों को यहां पर, जिसके पेरेंट्स ने एक अच्छी एजुकेशन दी है एक बच्चे को, तो वो बच्चा जो है वो कभी ऐसी हरकतें नॉर्मली करता हुआ नहीं पाया जाता है। कई बार क्या होता है पेरेंट्स की भी गलतियां रहती है यहां पर, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक कहानी भी आप लोगों को एक बार सुनाई थी कि एक इंसान जो रहता है वो चोरी करके आता है, और चोरी करके आता है चोरी के मतलब चोरी के उसमें जुर्म में उसको यहां पर सजा मिल जाती है कई साल की, मतलब चोरी या फिर मर्डर कर दिया तो उसको सजा मिल गई, मान लीजिए एक मर्डर कर दिया किसने गलती से, ठीक है, पहले चोरी करता था फिर मर्डर करने लगा, अब फांसी की सजा मिल गई। उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा कि मुझे अपनी मां से मिलना है क्योंकि बाप उसका था नहीं, तो उसने अपनी मां का नाक काट लिया जाकर, ठीक है। तो एक कहानी सुनी थी मैंने भी कहीं पे, तो उसमें रहता है कि अगर जिस दिन पहली बार चोरी करके मैं आया था उसी दिन आपने मुझे रोक दिया होता तो आज मेरी हालत ना होती। तो कई बार पुअर पेरेंटिंग जो स्किल है ना यहाँ पर वो बच्चों को इस लेवल पर पहुंचा देती है। एब्यूसिव होम रहता है जहां पर एक तरीके से मां बाप आपस में लड़ रहे हैं, ठीक, कुत्ता बिल्ली की तरीके से, वो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि आपस में बहुत सारी कि बच्चा बचपन में देख देख कर वो बड़ा हुआ है कि घर में ही जो पापा है दारू पीकर आ रहे हैं, मम्मी को पीट रहे हैं, वो सारी चीजें, तो बच्चा सहम जाता है, उसके अंदर तक वो चीजें बैठ जाती हैं। तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं। कई बार सिंगल पेरेंटिंग जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलती है,
चुके हैं, यानी कि हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, तो उसकी वजह से भी कई सारी दिक्कत निकल कर आती है। काम पर भी फोकस रहता है, उस पर ध्यान दे पाते हैं बच्चे पर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आती है जिसके बारे में आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। और रही सही कसर के आज के डेट में, वो न्यूज, मूवीज, वेब सीरीज, सोशल मीडिया और लैक ऑफ एजुकेशन। हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल तो आ गया, पर लेकिन उसको ये नहीं पता कि मोबाइल को यूज कैसे करना है। मोबाइल उसको यूज कर रहा है, मोबाइल उसको अलाइट करता है, हर टाइम की मुझे देखता रहो, ठीक है, तुरंत तुमको नई नई चीजें मिलती रहेंगी। तो ये सारी हरकतें जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं इंसान जो है उसको एक ऐसी कैटेगरी में ले जाकर रख देते हैं जो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो पेरेंटिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आप लोग इसको सहमत हो या ना हो, पर लेकिन हाँ, ये सारे रीजन आप लोगों को याद रखने, और ये आप लोगों ने नॉर्मली इनको देखा भी होगा अपने आसपास वाले रीजन में, ठीक है। अगर बात करें हमारे देश में, तो कई सारे ऐसे चिल्ड्रन एक्ट के बारे में बात करें तो बच्चों करता है कैसे बच्चों को टैकल करके चलना है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से यूएन भी बोलता है कि बच्चों को सुधारना है। तो दुनिया में ऐसे कानून तो है कि जिनमें सुधारने के बारे में बात की जाती है, ठीक है। हमारी कंट्री में टाइम टू टाइम एक्ट में हम लोगों ने बदलाव किए हैं, रिप्लेस किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को। यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली अलाउ किया जाए जुवेनाइल इन्वॉल्व इन द हीनियस क्राइम एज 16 से 18 तक का ट्रीट किया जाए एज ए एडल्ट। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। जैसे निर्भया का केस आया था, उसने ऐसी ऐसी हरकतें की, यहाँ पर एक तरीके से उसकी वेजाइना में रोड डालना, वो सारी हरकतें उस जुवेनाइल ने करी, ठीक है। तो इतनी गंदगी हर गई थी और वो बोला 18 साल से नीचे का उसको छोड़ दो। तो यार ये सारी चीजें हरकतें हैं, उसको तो सबसे पहले उसकी एक मुंडी कटनी चाहिए, वो इतनी हरकतें कर रहा है यहाँ पर। तो 16 से लेकर 18 साल का अगर कोई जुवेनाइल है तो उसको एडल्ट ट्रीट किया जाएगा अगर उसने कोई हीनियस क्राइम कर दिया जो कि एक बच्चे के दायरे से बाहर हो जाता है। तो बच्चा नहीं बन गया, वो बच्चा है पर लेकिन बड़ों के काम कर रहा है भाई साहब। जो एक मैच्योर पर्सन जो है, मैच्योर हाल दिन मैच्योर बोला नहीं जाएगा उस इंसान को, यार घटिया इंसान हो गया, मैच्योरिटी कहां बोल दूं उसके लिए। तो मतलब दर गिरा हुआ इंसान हो गया जो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है यहाँ पर, वो एक अलग तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। सोसाइटी का रिस्पॉन्स के हिसाब से भी कई बार यहाँ पर उसके हिसाब से और यहाँ पर क्लियर किया जाए डेफिनेशन, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑर्फन कौन होता है, अबेंडन कौन होता है। ऑर्फन जिसके माँ बाप नहीं है, अबेंडन जिनको छोड़ दिया गया माँ बाप के द्वारा। तो इन सबकी डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई है ताकि सिस्टम को ढंग से टैकल किया जा सके। तो काम तो चल रहे हैं, पर लेकिन यार वही है कि सारी चीजें जो है वो सरकारी करेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग को भी चीजें देखनी होती है, तो उसी के चलते सारी चीजें सामने निकल कर आती है।